हाय गाइस, दिस इज़ परमवीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज तक। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन फॉर 7 अगस्त आइल्स एग्जाम टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में पार्ट वन में आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स आ सकते हैं, लाइक फॉर्म कम्प्लीशन फर्स्ट पार्ट भी होगा, काफ़ी ईजी होगा। सेकेंड पार्ट में आपको MCQs या मैजअप्स आ सकते हैं, वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा, ध्यान रखना थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। थर्ड पार्ट लार्ज MCQs होंगे बट होंगे इजी। और फोर्थ पार्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो ऑडियो होगी थोड़ी सी फास्ट चलेगी, सो बिल्कुल बी कॉशियस, आपको बिल्कुल ध्यान बनाकर चलना है। ओवरऑल आपकी लिसनिंग जो ईजी होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ पार्ट टू और पार्ट फोर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग में पैसेज वन में आपको येस नो नॉट गिवन और लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पैसेज आपको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा, मींस थोड़ा सा इजी होगा थोड़ा सा मॉडरेट होगा, तो लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट होगा, तो ध्यान रखना। पैसेज टू में मैचअप्स आ सकते हैं, चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस आ सकता है, ये भी थोड़ा सा पैसेज फर्स्ट की तरह थोड़ा इजी टू मॉडरेट होगा। लेकिन पैसेज जो थर्ड होगा थोड़ा सा मॉडरेट होगा, घबराने की बात नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक स्ट्रेटजी बना के चल सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट नहीं हो रहा, आप उसको थोड़े टाइम के लिए आप स्किप कर सकते हो, ताकि आप प्रॉपर सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद जब आपको आपके पास टाइम होगा तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से कर सको, अगर नहीं है तो लास्ट में आप गेस वर्क कर सको। लेकिन ये नहीं है कि आप 2 या 3 क्वेश्चन पकड़ के बैठे रहो कि जिसमें आपको आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो ये पैसा ही थोड़ा सा टेस्ट वाला है, इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो 8 to 9 बैंड्स के हो सकते हैं, तो हमने इतना तो स्कोर करना नहीं है, हमारा टारगेट इतना तो बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप इसमें से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन स्किप करके आगे क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन हैं उन पर मूव कर सकते हो। तो मेरी सजेशन यही है कि आप जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो और लास्ट में आप उसको गैस वर्क करो, अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा रीड करके आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। तो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है इजी टू मॉडरेट आने के चांसेस हैं इस बार। राइटिंग में टास्क वन तो बहुत ईजी आएगा, लाइक लाइन ग्राफ आ सकता है, कोई बार ग्राफ आ सकता है, मैप आ सकता है या टेबल आ सकता है, लेकिन होगा बहुत ईजी, मैक्सिमम आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी तो ईजी हो जाएगा। सेकेंड में टास्क टू में भी जनरल क्वेश्चंस लाइक आपको एग्री डिसएग्री या एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉज इफेक्ट ऐसा कुछ आ सकता है। टॉपिक्स होंगे आपके हेल्थ एजुकेशन साइंस और सोसाइटी रिगार्डिंग, सो ये थोड़ा सा मॉडरेट होगा। आप तो सजेशन मेरी तरफ से यही है आपको कि पहले आप क्वेश्चन को थॉरली रीड करें 2 or 3 टाइम्स, देन 5 to 6 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं प्लानिंग करने में। अगर आप प्लानिंग करोगे, आप लोगे पहले कि मैंने ये BP1 में ये लिखना है, BP2 में ये लिखना है, जब आप पैराग्राफ बनाओगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी और टाइम भी पूरा प्रॉपर मैनेज होगा। ओवरऑल थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसमें, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे तो आप बहुत ईजी कर लोगे। तो उसकी प्रेडिक्शन यही है कि ईजी टू मॉडरेट आने के चांसेस है। टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल, स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको जैसे पार्ट वन तो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन ही होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, वो तो आपको पता ही है। पार्ट थ्री में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, अब अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जो ट्रेंडिंग में क्यू कार्ड्स चल रहे हैं हम उनकी प्रिडिक्शन दे सकते हैं, ये बार बार पूछे जा रहे हैं और इनकी लिस्ट है। डिस्क्राइब ए पार्ट ऑफ सिटी और ए टाउन यू लाइक टू स्पेंड टाइम इन, आई रिपीट, डिस्क्राइब ए पार्ट ऑफ सिटी और ए टाउन यू लाइक टू स्पेंड टाइम इन। सेकेंड इज डिस्क्राइब ए प्राइज यू वॉन्ट टू विन, डिस्क्राइब ए प्राइज यू वॉन्ट टू विन। थर्ड इज डिस्क्राइब ए फेमस पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन, डिस्क्राइब ए फेमस पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन। फोर्थ वन इज डिस्क्राइब ए चाइल्डहुड टॉय यू लाइक द मोस्ट। फिफ्थ वन इज डिस्क्राइब ए लाइन फ्रॉम ए सॉन्ग और ए पोएम यू रिमेंबर। सो ये ट्रेंडिंग में जो भी क्यू कार्ड चल रहे हैं बहुत ईजी वाले क्यू कार्ड्स हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि इनमें से आइडिया नहीं प्रॉपर मिल रहा या कोई अलग से आइडिया नहीं मिल रहा, सबके आइडियाज मैच कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर आप यूनिक आइडियाज चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसमें आप जाकर ये वीडियोज फाइंड आउट कर सकते हो और यूनिक आइडियाज फॉर दीज क्यू कार्ड्स यू कैन फ्रेम दैट। Thanks for watching. Here are other 2 videos. You can watch them as well. And if you haven't yet subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon for my upcoming videos and share these all videos among your friends.